भाई उन्हों की जन्मस्थली यही पैदा हुए थे, पीछे ही आइएगा तो देख लीजिए एमपी के राजा ये महाराज ने बैठ जा महाराज ये पीले कलर का जो भरते थे आप लोग पीले कलर को देखो आप लोग क्रूस ये पहले से ध्यान रखिएगा आप लोग एक साइड हो जाएंगे क्रूस टेढ़ी होगी जहाँ बैठे आप लोग वहीं बैठे रहिएगा क्रूस टेढ़ी होगी तो बोलेगा कि ये बोला नहीं नाम है ये जो पीले कलर का जो मकान देख रहे आप लोग ये तुलसी घाट है वो स्वामी तुलसीदास यही रहा करते थे ये तुलसी घाट है यही तो मैं पिछली बार लाना बोलूंगा यही हुआ है कहानी सुनो उनकी जो समाधि है वो 80 घाट पे है आप लोग देख लीजिएगा और ये जो टैंक दिख रहे हैं ये अंग्रेजों के जमाने का टैंक है पानी का टैंक है लाल कलर वाला बन रहा है जो यहाँ से पूरे पानी की सप्लाई होती है बैठिए देखिए आप फिर आप इनको लोग आएंगे फिर लोग प्रॉब्लम होगी ये जो मंदिर देख रहे हैं पीले कलर की मंदिर ये जानकी घाट है यहाँ सीता मैया का मंदिर है आप लोग का बोली सीता मैया की और ये माता आनंदमयी घाट है यहाँ आनंदमयी मैया का मंदिर है नमन कर लीजिए यहाँ भी बोली आनंदमयी मैया की सफेद कलर की मंदिर देख रहे हैं ये जैन घाट है यहाँ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन है भगवान यहाँ पे जन्म लिए थे उनकी जन्मस्थली है यहाँ मंदिर है उनकी ये भी हमारा सनातन धर्म ही है यहाँ नमन कर लीजिए आप लोग बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की जय सारनाथ तिवर जी को जानते हैं जिन्हें श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को अपने नाम से पार लगाया था उन्हीं का मंदिर देखिए निशान राम भगवान का नाम पैंट किया हुआ है नमन कर लीजिए बोले निशान राम के पिता की और ये पंचकोट घाट है ये प्रभु घाट है और ये चैत सिंह किला है चैत सिंह घाट किला जाते थे हम लोग बाइक से आए थे ये किला दिख रहा आप लोग ये यहाँ के प्रथम जो राजा हुआ करते थे जो पहले राजा थे चैत सिंह जी उनका किला उन्होंने इस किले का निर्माण किया था यहाँ पे देव दिवाली का दिन भव्य नजारा रहता है यहाँ का देव दिवाली का दिन जो जानते हैं आप लोग देव दिवाली को यहाँ पे भव्य नजारा रहता है यहाँ का लेकिन ये शो दिन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे और ये निरंजनी घाट है बगल में वहाँ निर्वाणी घाट है सुबह होंगे निरंजनी अठारह और वहाँ निर्वाणी अठारह ये दोनों अखाड़े हैं यहाँ पे साधुओं का डेरा लगा रहता है यहाँ पे शिवाला जानते हैं शिवाला शंकर भगवान की मंदिर शंकर भगवान का घर देखिए शिवाला घाट है और वो शंकर जी की मंदिर है सामने नमन कर लीजिए आप लोग बोले शंकर भगवान की आप लोग गुल्लर का पेड़ देखे हैं गुल्लर का पेड़ बहुत लोग नहीं देखे तो देखो ये गुल्लर का पेड़ है ये अभी गुल्लर का पेड़ है और गुल्लर के पेड़ के नाम की घाट का नाम है गुल्लरिया घाट इस गुल्लर के पेड़ की विशेषता ये है ये बरसों से ऐसे ही पड़ा है ये सूखा है कुछ कुछ नहीं हुआ है ये हनुमान घाट है जहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति तैरते हुए यहाँ पे आगे यहाँ पे रुक गई थी इसलिए इस घाट का नाम हनुमान घाट है ये कर्नाटक घाट है राजा मैसूर कर्नाटक के राजा मैसूर जी ने इस कर्नाटक घाट बनवाए थे उन्होंने उधर बैठ जाओ उधर ये देखिए कर्नाटक ये सामने ना लाइटिंग दिख रही है ये कर्नाटक घाट है और बगल में ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट है शमशान घाट ये शमशान भूमि है दो राजा के यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जी नौकरी किया करते थे बॉडी चलाने काम किया करते थे अंतिम संस्कार करने काम किया करते थे क्योंकि बॉडी चल रही है नमन कर लीजिए आप लोग यही हमारा आखिरी परम सत्य है नमन कर लीजिए और ये
लाली घाट है, ब्रिटिश रानी लाली उनके नाम से इस घाट का नाम है। और ये जो सीढ़ी ऊपर जा रही है, पीले कलर का मंदिर देख रहे हैं, ये केदार घाट है। यहाँ केदारेश्वर महादेव की मंदिर है, संसद में 108 शिवलिंग है। नमन कर लीजिए आप लोग, उसी को मैं कह रहा था, बोले केदारेश्वर महादेव की जय। बहुत लोग बोल दे रहे हैं, आप लोग इतना दूर से आए हैं यहाँ पे कृत करने के लिए, आप लोग जयकारा नहीं लगा रहे हैं। फिर जय बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय। आप लोग चौकी जानते हैं, माता की चौकी नहीं, पुलिस चौकी नहीं, चारपाई जानते हैं, लकड़ी की चारपाई बड़ी, उसको चौकी कहा जाता है। ये चौकी घाट है और यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने में यहाँ चौकी लगा जाता था, चौकी। और कोलकाता से सामान का आवन जवान हुआ करता था, यहाँ पे कर वसूली काम किया जाता, कर जानते हैं ना, टैक्स, कर वसूली काम किया जाता था। यहाँ पे टोल टैक्स है ना, टोल टैक्स वैसे यहाँ पे लगता था उस टाइम पे। और देखिए एक मंदिर दिख रही है, छोटी सी मंदिर दिख रही है, श्रमेश्वर महादेव की मंदिर है ये, पिंक कलर की। मान्यता ये है, हमसे बहुत सारी त्रुटियां होती है, गलतियां हो जाती है, हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं तुम्हारा क्षमा जो है स्वीकार होता है। आप लोग मन कर लीजिए, हे श्रमेश्वर महादेव, हमसे हमारे परिवार से कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई, तो हमें क्षमा कर दीजिए, बोले श्रमेश्वर महादेव की। और ये मान सरोवर घाट है, पीछे तालाब हुआ करता था मान सरोवर नाम से। और ये जहाँ देखिए अंधेरा दिख रहा है, यहाँ लाल कलर घर है, ये नारद घाट है। यहाँ पे कोई भी स्नान नहीं करता है, यहाँ पानी बह रहा है बिल्कुल नहीं, सांस बहुत बिल्कुल स्नान नहीं करते हैं, नहीं गर्भ कलह हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे कोई भी स्नान करता है साथ में तो झगड़ा हो जाते हैं। नारद जी जो है वो झगड़ा लाने का काम करते थे, नहीं तो आप लोग सास बहू या पति पत्नी एक बार एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग कलह हो जाएगा, कलह महाभारत होगा। और ये राजा घाट है, बाजीराव पेशवा दूसरे पूना के राजा, उन्होंने बनवाए थे। पांडे घाट है, बंगुआ पांडे, विशेषर पांडे जो बंगाली पंडित यही रहा करते थे। और वो देखिए ग्रीन और रेड में वो अखाड़ा है, दोनों भाई उन्हीं कुश्ती लड़ा करते थे। ये पिपलिया घाट है, पिपलिया आप लोग इस्कॉन जानते हो, इस्कॉन यहाँ इस्कॉन मंदिर है, राधे कृष्ण जी की मंदिर है, इस्कॉन नमन कर लीजिए आप लोग, राधे कृष्ण भगवान की जय। और ये चौसठी घाट है, आप लोग चौसठ योगिनी माता जानते होंगे, उन्हीं की यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ का जो कपाट है वो साल में थोड़ी बार खुलता है, एक बार होली दूसरा नवरात्रि, नमन कर लीजिए आप लोग, चौसठ योगिनी माता की। और ये जो महल देख रहे हैं आप लोग, ये दरभंगा घाट है, सबसे महंगा होटल पूरे बनारस, दरभंगा जी ने इस महल का निर्माण करवाया था, एक रूम 75,000 का है सबसे ऊपर का। अब ये जो दरभंगा महल है ये अब होटल में परिवर्तित हो चुका है, ब्रिज रामा पैलेस, देखो कितना नाव लग रही है, ये दशा सुनी है, ये दशा उसमें घाट आ गया, सबसे महंगा होटल नाव लग रही है। और ये मुंशी घाट है, मुंशी प्रेमचंद जी जानते होंगे आप लोग, जो साहित्य लिखते थे उन्हीं के नाम से इस घाट को समर्पित किया गया है। और ये माता अहिल्याबाई होलकर घाट है, माता अहिल्याबाई जिन्होंने बाबा विश्वनाथ जी को स्थापित किया, अनेकों मंदिरों का जोरदार गाया उन्होंने। आप लोग ध्यान दिए होंगे उनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रहती थी, वो शिवलिंग यही पे स्थापित हुई थी, अहिलेश्वर महादेव मंदिर है। नमन कर लीजिए आप लोग, बोले अहिलेश्वर महादेव की। और यही हम आरती देखेंगे, लाइटें बंद हो गई, ये जो देख रहे हैं ये पहला जो घाट है इसका नाम है।